हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारद्वाज व्यूज, ओनली नॉलेज फैक्ट्स एंड न्यूज। दोस्तों, चमकी बुखार ने बिहार में जैसे कहर बरपा रखा है। करीब 170 से भी ज्यादा जाने वहां जा चुकी हैं और 700 से हजार इतने रोगी अस्पतालों में भर्ती हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में तो जैसे ये महामारी का रूप धारण कर चुकी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो चमकी बुखार के ऊपर ही है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो इस वक्त राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं कि वो उचित कदम नहीं उठा पा रहे हैं, इस वजह से ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भी कई अस्पतालों के दौरे करते हुए देखे गए हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो दोषारोपण का नहीं है, क्योंकि यह हमारा काम नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े मीडिया हाउस और पत्रकार हैं। ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसके जरिए हम लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि चमकी बुखार के लक्षण क्या हैं और चमकी बुखार असल में है क्या, और अगर ये बुखार इस तरह से फैल रहा है तो इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और इससे जुड़े हुए कंटेंट आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि चमकी बुखार बिहार के अंदर महामारी बनती जा रही है। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में तो हालत बेहद खराब है। अस्पतालों के अंदर बेड भी मिलने बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, चमकी बुखार असल में है क्या। तो दोस्तों, ये एक तरह का इंफेक्शन है जिसके वायरस जब रोगी के शरीर में घुसते हैं तो उसके खून के अंदर मिलकर ये अपनी क्षमता के 4 से 6 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यानी कि रोगी के शरीर के ऊपर अटैक करते हैं 4 से 6 गुना ज्यादा तेजी के साथ जब ये खून में मिल जाते हैं। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि रोगी के शरीर के सेल्स जो हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे ये धीरे धीरे इंफेक्शन उसके मस्तिष्क सर में जाने लगता है, दिमाग में सूजन आती है, और इस तरीके से धीरे धीरे शरीर में पानी और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और दिमाग अपना काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है। दोस्तों, इस तरह की ये भयावह बीमारी है। यहाँ पर देखने में ये भी आ रहा है कि एक कंटेंट इन दिनों देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि लीची फल खाने की वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे भी इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैं भी जो अखबारों में पढ़ रहा था वो ही था। तो मैंने गूगल पे, अखबारों में, वेबसाइट्स पे सर्च किया, उसके बाद ये वीडियो तैयार गई। और सबसे पहले एक हमारे भारद्वाज न्यूज़ के ही सब्सक्राइबर हैं मिस्टर विवेक दुबे, उन्हें जरूर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ कमेंट लिखकर बकायदा बोला कि आप चमकी बुखार के ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि विवेक जी ने जागरूक कराया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सच में, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलता हूँ, चमकी बुखार का कहीं तक नहीं आ रहा था। हालांकि मुझे दुख जरूर होता जब मैं न्यूज चैनल्स और अखबार देख रहा था, लेकिन विवेक दुबे जी ने हमें बताया कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये वीडियो के ऊपर रिसर्च की, और अब जो भी मैं समझा वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है क्या वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो लीची फल के बारे में कहा जा रहा है कि इसे खाने की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो एक्चुअली इसका कोई वैज्ञानिक और मेडिकेटेड आधार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि लीची फल के अंदर एक जो सिंड्रोम है वो ऐसा है, इसका जो टॉक्सिक है, सॉरी, जो टॉक्सिक है दोस्तों, वो कुछ इस टाइप का है कि इस बीमारी में वो और ज्यादा बढ़ाने में काम करता है। दोस्तों, कटे फले कोई भी फल अगर खाए जाते हैं तो उसमें ज्यादा परेशानी करते हैं। और एक जो चीज दोस्तों देखने में आई है वो ये देखने में आई है कि ये जो चमकी बुखार है दोस्तों, और जिन लोगों को इसने इफेक्ट किया है, वहां एक चीज कॉमन देखने में आई है, 90% ये उन इलाकों में इफेक्ट किया है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यानी कि ऐसे इलाके जहाँ गंदगी का बहुत ज्यादा फैलाव है, लोग साफ सफाई के लिए उतने अवेयर नहीं है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाके हैं, ऐसे इलाकों में चमकी बुखार ने ज्यादा तेजी से अटैक किया है। और हिस्ट्री भी इस बात की गवाह है कि हर साल 2 साल में ये बुखार आता रहता है, और इसका सही कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इसका बचाव ही इसकी सबसे बड़ा रोकथाम भी है दोस्तों। तो हम यहाँ पर ये समझ गए हैं कि चमकी बुखार में होता क्या है। तो अब समझ लेते हैं कि चमकी बुखार के लक्षण क्या है। तो इसमें ये होता है कि जब ये चमकी बुखार शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता ही चुका हूं कि ये दिमाग के ऊपर असर डालता है और धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद करता है, मस्तिष्क काम करना बंद करता है, उसको सूजन बढ़ती है और बुखार जो है शरीर में बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत रौद्र रूप बुखार ले लेता है, शरीर में ऐठन हो जाती है और दांतों और जबड़ों में एक अजीब सा कसाव होता है, हाथ पैरों में दर्द,
उल्टियां आना, ये सब एक आम बीमारी, आम लक्षण इस बीमारी में देखे गए हैं। चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये चमकी बुखार के लक्षण है। अब इससे बचाव क्या है दोस्तों? तो बचाव सबसे बड़ा है, जब भी आप रोगी के पास हैं तो सबसे पहले रात में उसे भरपूर खाना दें, हेल्थी खाना दें, और फल कटे हुए बिल्कुल भी ना दें, और ग्लूकोज का पानी उसे पिलाते रहें, क्योंकि चमकी बुखार के अंदर, शरीर के अंदर जो शुगर लेवल है वो काफी नीचे जाता है। इस वजह से इसको शुगर लेवल को बराबर रखना है। मीठी चीज जरूर दें खाने में, कोई भी है, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, उसे मीठी चीज खाने में जरूर दें। ग्लूकोज का पानी पिलाएं, शरीर में पानी की और मीठे की कमी बिल्कुल ना होने दें, और कटे फले कटे और ये सब फल आपको नहीं खिलाने हैं, और साफ सफाई का खास ध्यान रखना है, क्योंकि गंदे इलाकों में ये ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। और जानवरों को थोड़ा सा दूर रखें इन दिनों, जब आप अगर ऐसा आसपास कोई देख रहे हैं कि ये रोगी है, चमकी बुखार से पीड़ित है, तो जानवरों को दूर रखें, कटे हुए फल ना खाएं, आसपास साफ सुथरा माहौल रखें और पानी पिलाते रहें, ग्लूकोज खास तौर से पिलाएं, मीठा खिलाते रहें, भरपेट खाना खिलाएं, और तुरंत अस्पताल में कंसल्ट करें डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इधर उधर की बातों पर ज्यादा यकीन ना करें। फिलहाल यही कंटेंट है, मैं खुद भी और हमारी टीम भी पूरी लगी हुई है कंटेंट छांटने में, ताकि जैसे जैसे अपडेट आता रहे इसकी रोकथाम के लिए, इसकी बीमारी से बचने के उपायों पे, उस हिसाब से हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, डिसलाइक के चांस नहीं है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, बाकी आप किसी भी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को डिसलाइक आप मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं जल्दी एक अच्छे और अपडेट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।